अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की पहली से आई थी जैसे कि आप, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले रमज़ान की मुबारक हो, उसके बाद आपको बातें मिली हुई शेयर करनी, रमज़ान के इस महीने में जो है मतलब आप सब्सक्राइबर को मुताबिक तक कर देते हैं इस चैनल के, तो आपके लिए डेली कंटेंट आया करेगा। 50 तो बहुत कम है, लगभग 100 तो के करीब तो होने ही चाहिए। मैंने वैसे आपको नॉर्मल आपका बता दिया टारगेट, 50 मिनिमम होने ही चाहिए हर हालत में। तो दूसरी बात ये कि मतलब रमज़ान है तो इसमें इतना कंटेंट नहीं आया करेगा, थोड़ा हमारी वीडियो जो हैं व्लॉगिंग की वो कुछ कुछ दिन बाद आया करेंगी, तो रेगुलरली हमारी वीडियो नहीं आएंगी। तो इसके बारे में थोड़ी बता दी जाएगी, और इसके बारे में नीयत नसीहत तभी की जाएंगी कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। चलें नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं। फिलहाल हम ये क्या कहते हैं ट्रैवल पार्क में आ चुके हैं। यहाँ के मौसम की तक बात की जाए तो बड़े ही खुशगवार मौसम है, और बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है, अभी यह रोज़ा भी है। तो आज अभी हम ग्राउंड में आए हैं, जैसे रोज़ सुबह जॉगिंग के लिए आते, लेकिन आज कोई स्पेशल कॉन्टेंट है, मैंने आपके साथ ये शेयर करें, इसके बारे में आपको मालूम देंगे। इसके बाद बात की जाए तो पिच की, तो ग्राउंड की दरिया हमारे पीछे है, ये देखें, ये अब इस पीछे दोनों ग्राउंड वो पीछे बनी हुई है, और जब हम आए हैं तो चलें आज जॉगिंग तो इतनी हम कर नहीं सकते आज, क्योंकि अभी हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू हो गया। देखें आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा होगा, और फिलहाल हम आप ये देखें, ये अच्छा वाला ग्राउंड है, छोटा बड़ा ग्राउंड, छोटा सा भी ग्राउंड, ये अच्छा ग्राउंड। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं जॉगिंग ट्रैक की तरफ, जॉगिंग तो नहीं करेंगे, बस आपको ट्रैक दिखा देंगे मतलब कहाँ से शुरू होता है कहाँ पर एंड होता है। जॉगिंग ट्रैक पे जी, ये जॉगिंग ट्रैक पे ही है, अच्छा जॉगिंग ट्रैक बना रहा है। बस अगर आपको अपना फैट कम करना हो तो आप इस ट्रैक में आ सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जगह बनी हुई है मखसूस, और काफ़ी अच्छे पीएच वालों की तरफ से प्लांटिंग की हुई है। ये देखें फूल लगे हैं काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे, तो आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। ये जिमनेजियम बना हुआ है सामने, आप देख लीजिए बास्केटबॉल प्लेइंग एरिया। दरअसल रमज़ान शुरू है तो इतने प्लेयर्स आए हुए नहीं है, लेकिन तो यहाँ पे काफ़ी बंदे खेल रहे होते हैं, तो बास्केटबॉल का बना हुआ है नहीं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड बना, फुटबॉल भी खेल सकते हैं हम। तो ये बैडमिंटन खेलने के लिए, ये सामने फिर वापस वही आ जाता है जी बॉल बास्केटबॉल खेलने के लिए। ये फुटबॉल का ग्राउंड आप देखें जी, यहाँ से वो आगे तक आप जा देख सकते हैं, दूसरा गोल का वो लगा हुआ है। चलें आगे भी आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। ये सामने पानी पीने के लिए जगह बनी हुई है, और ये हम आगे किड्स प्लेइंग एरिया में, ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, नन्हे मुन्ने बच्चों ने यहाँ रौनक लगाई होती है रोज़, ये देखें जी किड्स प्लेइंग एरिया में हम आ चुके हैं। ये एक भाई साहब आ रहे हैं भागते हुए, तो ये जा रहे हैं फिलहाल हम एरिया में, बाकी दिखाते हैं आपको कैसे बच्चे खेल रहे हैं और कैसी इंजॉयमेंट है। बच्चे तो बच्चे देखें जी, बड़े ने भी कसर नहीं छोड़ी, वो भी शुरू हुए हैं, देखें जी फिलहाल ये मेरे ख्याल से कैच खेल रहे हैं। किड्स खेल रहे हैं, वो आगे तक किड्स प्लेइंग एरिया ही है, और ये बीच में मतलब बैठने की जगह भी बनी हुई है अगर आप बैठना हो तो। मेन एरिया जो था बस वो यही था, उसके बाद ये हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा काम हुआ है, लाइटिंग की हुई है डिफरेंट जगह में, और काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग भी दी हुई है। ये देखें कुछ अच्छे से डिज़ाइन बने हुए, और वो लैंड के डिज़ाइन बनाए थे काफ़ी अच्छे से, मुझे लगता है वो ख़त्म कर दिए नहीं बल्कि हमें मिल गए, तो अभी हम आपको उधर लेके चलते हैं, वो डिज़ाइन दिखाएंगे। बाद आज का मौसम भी बड़ा अच्छा हो सकता है, पॉसिबल है मे बी कि आज बारिश हो जाए, तो रोज़ा बाकी अच्छा गुजर जाएगा। ओह ये देखेंगे एक अच्छी सी फ्लावर बनाया हुआ है काट के, पहले से जो हमारे वहाँ थी उन्होंने आपके साथ शेयर की है। उसके बाद हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, आज रमज़ान का पहला रोज़ा, इसके बारे में आपको थोड़ी गाइड देनी, यानी कि क्या क्या काम करने
और कहते हैं अपने रोज़े को अच्छे तरीके से गुजारना है। तो उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। तो बहुत ही करने के काम से अक्सर लोग होंगे वो शहरी तक जाते रहते होंगे और मतलब शहरी खा कर सो जाते हैं, मतलब ऐसा रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं, बंदा शहरी तक जाता रहे, शहरी खाए, नमाज ना पढ़े, या नमाज़ पढ़े और सो जाए और पूरा दिन सोया ही रहे मगरिब के टाइम उठे, तो ये रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वैसे एक मजाक, एक किस्म की मजाक होगी अपने साथ। और जैसे कि आज हम नमाज में थे तो इमाम साहब बता रहे थे कि 5 अरकान हैं, उनसे मतलब रोज़ा भी एक अरकान है। इसका मकसद अल्लाह ताला ने ये बताया ताकि तुम लोग तकवा हासिल करो, और अगर बंदे को तकवा हासिल ना हो या ये अगर पूरा रमज़ान में रोज़े रखता रहे, नमाज़ें पढ़ता रहे और जो ही मतलब ईद उल फितर आए तो बंदा कहे जी कि फजर की नमाज़ पे भी ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कि भी जो नमाज़ों का तमाम भी करना है, पाक भी पढ़ना है और पूरी नमाज से बचने की भी कोशिश करनी है। जैसे रमज़ान में नेकियाँ 70 गुना ज़्यादा हो जाती हैं, वैसे गुनाह भी जो है वो भी 70 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे कि एक हदीस भी आपने सल्लम की के रोज़ेदार के लिए 2 इनाम है, एक रोज़ा इफ्तार करने के बाद और दूसरा अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद। इस तरह के रोज़ेदार के मुँह से इफ्तार के बाद खुशबू आती है, वो मुश्क खुशबू से भी अल्लाह ताला के करीब ज़्यादा अधिक ज़्यादा खुशबूदार है। तो और भी इस तरह की कई हदीस आपको मिल जाएंगी, आप इसको सर्च करें और अच्छा सा अपना रमज़ान गुजारें। आज का पहला रोज़ा आपको मुबारक हो, और नेक्स्ट कंटेंट में मिलता है, तब तक गुड बाय। वीडियो में अच्छी सी व्यू अपनी स्पोर्ट दिखाना है न्यू चैनल पर, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया था, अपनी अच्छी स्पोर्ट दिखानी है, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। ओके गुड।